हेलो स्टूडेंट्स, इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मींस एट व्हिच रेट द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग और द रिएक्शन इज अंडरगोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन कम हुई है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी, रेट लॉ। बराबर, रेट लॉ क्या होता है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो रही है वो कैलकुलेट करके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं। बराबर, वो जो मेथड है उसी को हम कहते हैं रेट लॉ। सो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने दो ग्राफ देखे थे कि रिएक्टेंट के लिए के जो ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी। वो आपको मैं फिर से याद बता रहा हूँ कि अगर आपका ये टाइम और ये कंसंट्रेशन है देन ये ग्राफ व्यू जा रहा है। अगर प्रोडक्ट के लिए है तो ये ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। बराबर, हमने यहाँ पर रेट कैसे निकाला था, तो रेट वो जा रहा था हमारा, मान लो कि यहाँ पे है तो R1 है और यहाँ पे है तो R2 है। तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 अपॉन ये जब था तब ये टाइम क्या था, तो उसको अगर हम T1 ले रहे और इसको अगर T2 ले रहे तो दैट वाज T2 माइनस T1। सो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, बट द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग सो अ माइनस साइन इज पुट इन द फॉर्मूला। सेम थिंग इन प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग सो हियर देयर विल बी पॉजिटिव साइन। बराबर, बट इफ वी वांट टू नो दिस स्लोप ऑफ द ग्राफ, सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस मैनर, एंड इफ वी वॉन्ट टू प्लॉट अ ग्राफ एन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, इफ द स्लोप इज कैलकुलेटेड देन दिस रिएक्ट, देखिए ये जो लाइन है दिस लाइन कम्स हियर, सो एंड अ स्ट्रेट लाइन कैन बी कंसिडर्ड and from there a slope will be calculated. So here R1, R2, T1, T2. So slope will be, again this method, slope will be R1 minus R2 upon T2 minus T1, that is delta R upon delta T, but the concentration is decreasing so negative sign will be there. Okay, so this is rate of reaction, but this rate of reaction is actually average rate of reaction, this is average rate, so it is denoted by R average. A B भी लिख सकते हो, A B E भी लिख सकते हो, A B G भी लिख सकते हो, अकेला A B लिखोगे तो भी चलता है। बराबर, और इसके अलावा दूसरी एक चीज है और वो है आर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट रेट। से ये क्या होता है, बराबर यही ग्राफ है, मैं फिर से यहां पे प्लॉट कर रहा हूं कि अगर ये आपका टी है और ये आर है, मान लो कि ये ग्राफ यहां से यू जा रहा है, हमने यहां पे क्या किया, दो डिफरेंस निकाले कंसंट्रेशन का और टाइम का। लेकिन इंस्टेंट रेट हम किसको कहते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या आपकी कंसंट्रेशन होगी, उस टाइम पे क्या रेट होगा। मान लो क्या अभी हम अहमदाबाद में, सो फ्रॉम अहमदाबाद अगर आप हिम्मतनगर जा रहे समथिंग 80 किलोमीटर पड़ते हैं, अगर आप एक घंटे में वहां पे पहुंचते हो तो रेट क्या होगा, आपकी स्पीड क्या होगा, 80 की होगी। मान लो आप 8 o'clock चले और आप 9 o'clock वहां पे पहुंच गए, बराबर ना, सो 80 किलोमीटर पर आवर की आप स्पीड से चले, ये एवरेज रेट होता है। लेकिन अगर आपने उसी दौरान 8:20 को, अगर ये जो टाइम है 8:20 को आपने देखा कि आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें क्या था,
जरूरी नहीं है वहां पे एटी ही होगा, तो वो जो आप निकालते हो क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टाइम हमारी स्पीड क्या है, रेट क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। सो यहां पे मान लो कि मुझे ये एक पॉइंट है बराबर ना, कि ये टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है ये निकालनी है, सो वो क्या हो जाएगा आर इंस्टेंट, फॉर्मूला वही रहेगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके सो आर इंस्टेंट आप इसके ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको कि अगर रिएक्टेंट है तो आगे माइनस साइन लगाना है, माइनस साइन का एक मीनिंग है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट है तो आपको प्लस साइन लगाना है, और वो ये इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बाकी है तो डिफरेंस है, कंसंट्रेशन का और टाइम का डिफरेंस है, नेगेटिव वैल्यू आएगी आप ऐसा मान के नहीं चल सकते। ओके नाउ बुक में आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है बराबर, मैं पूरा नहीं लेकिन उसके दो तीन जो रीडिंग्स है उसके ऊपर से हम उसको थोड़ा देखेंगे। जो यहाँ पे है कि एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि C4H9Cl बराबर, व्हेन इट इज रिएक्टिंग इट गिव्स C4H9OH बराबर एट HCl व्हेन इट इज ट्रीटेड विद H2O बराबर। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, और आपको कंसंट्रेशन दी हुई है इन मोलारिटी मतलब कि मोल पर लीटर। ओके अब जीरो जो है क्योंकि जीरो टाइम पे जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जीरो टाइम पे क्या थी कंसंट्रेशन, बस वही जैसे हम रिएक्शन करते हैं तुरंत हम देखते हैं जीरो टाइम, फिर जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी जो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो जीरो टाइम कंसंट्रेशन क्या है हमारा, सो 0.100 आप लगा सकते, 50 सेकंड पे क्या है तो 0.09 डिक्रीज हुआ, 100 पे क्या है 0.082 डिक्रीज हुआ, और 150 सेकंड्स पे कितना है 0.0741 डिक्रीज हुआ बराबर। अब हमको इसका एवरेज रेट निकालना है बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब सेकंड है तो सेकंड में निकालिए, मिनट है तो मिनट में निकालिए बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई होगा, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, लेकिन कैसे होगा तो हम दो दो रीडिंग को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो रीडिंग को लेंगे बराबर, मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे रेट निकालना है एक्चुअली इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर भी आप कह सकते हो, रेट भी लिखो चलेगा, आपको आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये जो भी डेटा है वो बाय हार्ट होना चाहिए, सब कुछ नहीं है, मेथड सीखिए, डेटा लो आपको एग्जाम में कुछ भी हो आपको आ जाएगा बराबर। सो ये है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये आपकी कंसंट्रेशन है, आप उसको आर वन आर टू मान सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस निकालना है तो ये है आपका 0.1 माइनस ये आपका रहेगा 0.0905 अपॉन ये दोनों जो है उसका डिफरेंस आपके पास रहेगा 50, क्या रहेगा 50। तो अगर आपने जो कैलकुलेटर में अगर आप यूज करते हो आप डायरेक्ट करते हो तो उसके ऊपर से जो हमने आंसर को निकाला है बराबर ना, तो वो आंसर आपको मिलेगा कि 0.00019, क्या मिलेगा 0.00019 एंड दैट विल बी 1.9 × 10⁻⁴। ये ज्यूमेरिकल में आपको क्या है कि ये पूछा गया है कि रेट जो है वो डिक्रीज कहां से कहां तक हो रहा है बराबर। ओके अब हम सेकंड ले रहे हैं, सो रेट सेकंड कौन सा लेंगे तो ये दोनों का बराबर, तो क्या आएगा 0.0905 माइनस ये 0.0820 अपॉन टाइम का इंटरवल कितना है, सो 50 से 100 50 to 100 दैट विल बी 50 बराबर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है बराबर ना, तो वो आपको मिल गया 1.7 × 10⁻⁴ मतलब कि इसके जैसा है 0.00017 बराबर। तो ये आपका सेकंड हो गया, तो अब आप उसके ऊपर थर्ड में जाएंगे, सो रेट इक्वल्स टू तो हम क्या लेंगे तो ये दोनों को लेंगे बराबर, तो ये बड़ा वाला है जो उससे छोटा है बराबर, सो 0.0820 − 0.0741 अपॉन 50 बिकॉज 100 to 150 तो डिफरेंस इज 50 एंड दैट आंसर विल बी 1.58 × 10⁻⁴ बराबर। इसके आगे भी डेटा है बुक में,
बराबर। अगर आप यहां तक जाते हैं और ये क्वेश्चन है कि रेट जो है वो कहां से कहां तक डिक्रीज हुआ, तो हम ये कह सकते कि 1.7 × 10⁻⁴ जो आपका फर्स्ट आंसर था, सॉरी 9 बराबर, वहां से कहां आपने आया 1.7, वहां से कहां आपने आया 1.58, तो हम ये कह सकते कि यहां से 1.58 × 10⁻⁴ तक वो डिक्रीज हुआ बराबर। अब इसमें क्या है कि देखिए आपने ऊपर क्या लिया हुआ है कंसंट्रेशन, नीचे क्या लिया हुआ है टाइम, तो आप ये कह सकते हो कि मोल पर लीटर मतलब मोल है, ऊपर कंसंट्रेशन है उसकी उसके यूनिट्स और नीचे क्या रहेगा सेकंड बराबर, आप ऐसे उसका यूनिट भी रख सकते हैं बराबर। इसके बाद में आपको वहां पे एग्जांपल एग्जांपलर है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है बराबर, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि देखिए वहां पे टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि जब डिकम्पोजिशन होता है N2O5 का बराबर, सो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 2N2O5 गिविंग, देखिए यहां पे आपको मिलेगा NO2 और O2, क्या मिलेगा NO2 और O2, यहां पे N कितने हैं 4 बराबर ना, तो ये कितने हो गए ऑक्सीजन 10 हो गए, तो ये 8 और ये 2 बराबर। अब यहां पे ये चीज है कि इनिशियल कंसंट्रेशन के N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन हम इसको ऐसे भी करते कि ये जो बड़ा स्क्वायर जो होता है हम उसको बॉक्स में रखते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन ना, अगर यहां पे हम 0 लिखते तो वो हो जाएगा इनिशियल बराबर। मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक टाइम है तो हम ये लिख सकते हैं कि टी मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टी टाइम एट 0 टाइम बराबर। तो ये जो आपको दो चीजें जो मिलेगी बराबर, तो ये है आपका 2.33 मोलर इनिशियल जो है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 एंड इट बिकम्स 2.08 मोलर 2.08 बराबर। तो यहाँ पे देखिए 2.33 इनिशियल थी, टी टाइम के बाद वो कहीं हो गई 2.08, ये टाइम जो आपको मिला है वो है कि भाई टी इक्वल्स टू 184 मिनट्स बराबर। मतलब क्या हुआ कि आपकी इनिशियली ये कंसंट्रेशन थी और कितने मिनट के बाद इतनी हुई, तो आपको रेट कैलकुलेट करना है बराबर। रेट कैलकुलेट करना, तो रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपका क्वेश्चन जो है बदला भी जा सकता है कि भाई इसका भी कैलकुलेट करो इसका भी कैलकुलेट करो, जैसे कि आपकी बुक में इसका पूछा गया है इसका भी पूछा जा सकता है बराबर ना, तो ये हम उसके ऊपर से ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, तो ये न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये देखना है क्योंकि R2P अगर ये रिएक्शन है, इफ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो आपका रेट क्या बनेगा, रेट बनेगा DR, या आप Δr भी लिख सकते हो और Δt। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, तो Δp/Δt, लेकिन ये कैसा रहेगा पॉजिटिव बराबर, लेकिन जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही ये इंक्रीज होगा, तो बीच में क्या आएगा इक्वल, क्या आएगा इक्वल। दूसरी बात, ये ऐसे रिएक्शंस के लिए है कि जहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होते, मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है A+B गिविंग C+D, तो अब इसका हम कैसे बनाएंगे इसी हिसाब से, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, सो Δa/Δt इक्वल्स टू क्या होगा Δb/Δt, लेकिन ये दोनों कौन है रिएक्टेंट, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस। अब इस तरफ क्या इक्वल टू रहेगा ही, क्योंकि जितनी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उतनी इसकी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे हम क्या होगा Δc इक्वल्स टू Δd बराबर, यहाँ पे क्या होगा प्लस। ये भी तब की बात है कि जब आगे कुछ भी नहीं है,
देयर इज नो एनी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब कि आगे कोई भी गोल नहीं है। मान लो कि ये चीज होती, अगर हम ऐसे बात करते, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा रहा हूँ कि मान लो कि ऐसा है कि चलिए कि भाई आपकी बुक के हिसाब से जाते हैं कि एन वन गोल है ए के बराबर और एन टू गोल है बी के, एन थ्री गोल है सी के और एन फोर गोल है डी के, तो फिर रेट क्या हो जाएगा? तो रेट तो यही होगा क्योंकि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, दोनों के आगे क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। लेकिन यहाँ पे आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो क्या है, जब जितनी रिएक्शन है उस हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है, सामने वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि अपॉन में लेकर के चलते हैं कि वन अपॉन एन वन आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा वन अपॉन एन टू आगे क्या आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या हो गया डायरेक्ट लिखते वन अपॉन एन थ्री प्लस बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस वन अपॉन एन फोर डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, किसी भी रिएक्शन में आप ये चीज लगा सकते बराबर, सो यही लगेगा। मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई एच टू प्लस आई टू गिविंग टू एच आई है, तो इसका क्या बनेगा, तो रेट क्या बनेगा, तो रेट इक्वल्स टू इसमें देखिए आगे कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लगेगा बिकॉज वो रिएक्टेंट है, सो डेल्टा एच टू ये डेल्टा की जगह पे आप डी भी लगा सकते हो बराबर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, देखिए अब टू है तो प्लस लगेगा और वन बाय टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी, तो ये एग्जांपल के लिए इसके लिए ये बनेगा, इसके लिए ये बनेगा बराबर, सब कहीं भी ये लगा। अगर ये उल्टा होता, मान लो कि टू एच आई गिविंग एच टू प्लस आई टू होता तो क्या होता, तो ये आगे आएगा, ये जो पूरा है ये आगे आ जाएगा माइनस वन बाय टू बराबर और इक्वल टू में ये दोनों पीछे चले जाएंगे, होगा क्या, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल आपको मैं फिर से दे रहा हूं क्योंकि आपको एक न्यूमेरिकल करना है उसके ऊपर से, मान लो कि NaOH है और वो रिएक्शन कर रहा है HCl से, तो NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, तो इसका रेट क्या होगा, तो रेट इक्वल्स टू ये रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा NaOH अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आगे लिखो नीचे चलेगा प्लस डेल्टा NaCl अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस डेल्टा H2O प्लस डेल्टा टी। दूसरी बात कि आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया हो लेकिन H2O जो है उसकी कंसेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट मान के चलते हैं 55.55 मोलर, तो अगर आप इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला इसमें ये H2O वाला जो टर्म होती है उसको अगर आप नेगलेक्ट कर देते हो तो भी चलेगा बराबर, हालांकि आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन आप उसको नेगलेक्ट, बिकॉज वाटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट 55.55 मोलर बराबर, सो अगर ये हो गया, अगर इसमें कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो आपको यहाँ पे दिखाई देता बराबर ना, मान लो के एन टू प्लस थ्री एच टू सो टू एन एस थ्री सिक्स सिक्स एन टू, तो इसका क्या होगा, सो रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस वन बाय थ्री बराबर डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा वन बाय टू डेल्टा एन एस थ्री अपॉन डेल्टा टी बराबर। सो हम अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर, ये जो है कि भाई कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई बराबर, इनिशियल कंसंट्रेशन है 2.33
184 के बाद हो रही है 2.08 बराबर ना। सो हम क्या करेंगे भाई, चलो रेट बराबर। तो इसमें अगर आपको डिफरेंस निकालना है, मान लो कि ये रिएक्टेंट है तो आगे माइनस आएगा, तो वहां पे क्या करेंगे कि ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे अंदर की वैल्यू माइनस आए और पॉजिटिव हो जाए। वैसे ऐसे डिफरेंस है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये हो जाएगा 2 है यहाँ पे देखिए, सो 1/2 बराबर इनटू डेल्टा N2O5 आप लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई 2.08 माइनस 2.33 क्योंकि वैल्यू माइनस आ रहा है और ये प्लस हो जाए अपॉन 184 बराबर। ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल रहेगा और इसका जो आंसर है समथिंग 6 पॉइंट के आसपास आता है बराबर। तो यहाँ पे 0.000679 मतलब के 6.79 इनटू 1, 2, 3, 4 है, तो 10^-4 बराबर। अब ऊपर क्या है कंसंट्रेशन बराबर और नीचे क्या है टाइम, तो आप मोल पर 7 लगा सकते हो बराबर। मिनट्स बराबर, हमको ये मिनट्स दे दिया, अब इसको आप सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप तुमको पूछा गया तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे बराबर, तो वो आप कर सकते हो अपने आप बराबर। अब आपको ये पूछा गया कि ये जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, तो चलिए इसका हम लेके चलते हैं क्योंकि रेट इक्वल्स टू, अब इसको अकेला कोई कंसिडर करके चलो तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कि जो आपका करना है वो आपको करके चलना है कि भाई डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, तो इसकी कंसंट्रेशन हमको क्या मिल जाएगी, तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू रेट इंटू 4, ये 4 ऊपर जाएगा और हमारा रेट क्या है 6.79 और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, तो आपका वो आंसर आएगा। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, एक ये वाला और इसका वाला, ये दो आप कैलकुलेट करके थोड़ा सा उसको ट्राई करिए बराबर ना। सो आज के लिए हम यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद भी इंडेक्स के भी थोड़े से न्यूमेरिकल से वो एक आध दो देखेंगे और फिर आगे वाले टॉपिक में जाएंगे। तो थैंक यू।